हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनटीए व्यास मॉक टेस्ट नंबर 55 के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। डिटेल वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पर आप जाकर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं मॉक टेस्ट नंबर 55 के। एनटीए मॉक टेस्ट के सारे पीडीएफ अवेलेबल है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ले। तो यहाँ पहले स्टार्ट करेंगे बायो, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। ओके, सारे टाइम स्टाम्प भी दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको क्लिक करके बायो फिजिक्स या केमिस्ट्री पे सीधे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बायो। द पोर्शन ऑफ द इम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम इज, आंसर है हमारा बी, इपिकोटाइल। एक्सप्लेनेशन है द पोर्शन ऑफ इम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडोन्स इज द इपिकोटाइल्स विच टर्मिनेट्स विद द प्लीम्यूल और स्टेम टिप। द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ द कोटिलेडोन इज द हाइपोकोटाइल्स दैट टर्मिनेट्स एट द लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है द फ्रूट जूसेस अवेलेबल कॉमर्शियली आर क्लियर देन वन विच आर होम मेड, विच इंग्रेडिएंट एडेड इन कॉमर्शियली अवेलेबल फ्रूट जूस। आंसर होगा सी, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। ओके, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का एक क्वेश्चन हमारा है। बॉटल जूस ब्राउट फ्रॉम द मार्केट आर मोर क्लियर देन होम मेड जूसेस एज दे आर ट्रीटेड विथ एंजाइम पैक्टिनेज एंड प्रोटीनेजेज विच डिजॉल्व द फाइबर्स प्रेजेंट इन द जूस। क्वेश्चन नंबर थ्री, कंसिडर द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसेमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, पॉलीडेक्टाइलिक क्रेनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पे है पूरा, हाउ मेनी ऑफ द एबो डिसऑर्डर्स आर मेंडेलियन ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स। आंसर हमारा सी है, फाइव। द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इज मेनली डिटरमाइंड बाई अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसेमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया आर ऑल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। पॉलीडेक्टाइलिक क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स आर एग्जांपल ऑफ क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स। क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है द कंडीशन विच इन विच देयर इज वन टू मेनी और वन टू फ्यू क्रोमोजोम इज कॉल्ड, आंसर है ए, एन्यूप्लॉयडी। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा वो डी है, ई कोर आर फर्स्ट कट द डीएनए बिटवीन ए एंड टी ओनली व्हेन द सीक्वेंस जी ए डबल टी सी इज प्रेजेंट इन डीएनए। ये हमारा गलत है, बाकी ए बी सी सही है। मोर देन 900 रेस्टिट्यूशन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 238 स्ट्रेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द ईयर 1963। द टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई आर वेयर आइसोलेटेड। सम की टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज वेक्टर्स एंड होस्ट रूट ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे डी का जो एक्सप्लेनेशन है, ई कोर आर फर्स्ट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पैलेंडोमिक डीएनए सीक्वेंस जी डबल ए डबल टी सी एंड कट्स आर स्पेसिफिक लोकेशन अवे फ्रॉम सेंटर बिटवीन जी एंड ए होता है। ओके, मेकिंग स्टैगर्ड और स्टिकी एंड कट्स, इट ब्रेक्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सीख सकते हैं, इफ एलियन डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड यूजिंग सेल फर्स्ट इन PBR332 देन ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो ऑन, आंसर होगा ए, एम्पिसिलिन। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन पे, अ पॉलीसेकेराइड ऑफ कार्टिलेज इज, आंसर है ए, कोंड्रोएटिन सल्फेट। ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर एट, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द डिजीज काउजिंग निमेटोड दैट काउजेज अ ग्रेट रिडक्शन इन एल्ड ऑफ टोबैको प्लांट्स, एंस हमारा सी होगा, मेलोडोगाइनी इन कॉग्निशिया। ओके, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नाइन है, जेनेटिकली अल्टर्ड बैक्टीरियम यूज इन द कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इज, एंस हमारा सी होगा, सीडोमोनास प्यूटिडा। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ गैमिट विल बी फाउंड बाई जीनो टाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आंसर होगा ए, कैपिटल आर वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। और ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ सेल ए विथ ओपी इक्वल टू 10 बार एंड टीपी इक्वल टू 4 बार्स आर कनेक्टेड टू सेल्स बी सी एंड डी हैविंग ओपी इक्वल टू ओपी एंड टीपी 4 एंड 4 10 एंड 5 एंड 7 एंड 3 बार्स रिस्पेक्टिव, द फ्लो ऑफ वाटर विल बी, आंसर होगा बी, बी टू ए और सी टू डी। ओके, यहाँ पे सारा डिफ्यूजन प्रोसेस डिफ्यूजन निकाल लेंगे ओपी माइनस टीपी करके, और लो डीपीडी टू हाई डीपीडी आंसर हमारा हो जाएगा, जो फ्लो ऑफ जो वाटर है हैविंग लोवेस्ट डीपीडी से जाएगा। ओके, आते हैं
वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर डीपीटी टू हाईर डीपीटी। एक जो क्वेश्चन है रिपीट कर चुका है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है डिक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर काउजेज। आंसर होगा ए इंस्पिरेशन, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट कह रहा है यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट ईयर। कौन कौन सा जो है वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है ईयर के लिए। आंसर हमारा यहाँ पे सी है, ऑल एक्सेप्ट थर्ड, यानी कि थर्ड जो हमारा ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ये हमारा गलत है, न्यूक्लियस को बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ फिफ्थ हमारा सही है, ईयर डिवाइड इन द इंट्रा सेलुलर स्पेस इंटू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। सेकेंड यहाँ पे कर रहा है एसी आर द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। फोर्थ यहाँ पे कह रहा है द ईयर मॉडिफाइज केमिकल्स दैट आर टॉक्सिक इन द सेल, और द ईयर विच विथ राइबोसोम्स ऑन द ईयर सर्फिस इज कॉल्ड आर ईयर, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 14 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन। तो जो डी है हमारा वो गलत है, इट बाइंड्स ऑक्सीजन इ रिवर्सिबली, यहाँ पे गलत है, रिवर्सिबली बाइंड करते हैं। और इट इज अ रेड कलर पिगमेंट, इट कंटेन्स आयरन, इट प्रेजेंट इन साइड आरबीसी, सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ मैच द कॉलम है, तो यहाँ पे मैच करके रीड कर लेते हैं। ए का सेकेंड यानी टेलोफेज का होगा चेक पॉइंट इन द मिडिल ऑफ माइटोसिस, बी का थर्ड यानी एनाफेज का होगा यहाँ पे डिसजंक्शन, सी का फोर मेटाफेज का होगा यहाँ पे फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस, और डी का वन यानी प्रोफेज का होगा कर्स आफ्टर G2 इंटरफेज, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 पे कह रहा है फोर्सिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन अक्कर, ये आंसर हमारा ए होगा इंटेस्टाइन, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड द करेक्ट मैच, आंसर हमारा बी होगा एलियोप्लास्ट जो होगा वो स्टोर करता है प्रोटीन को। ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 पे पेरिकार्डियम इज आंसर ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग। क्वेश्चन नंबर 19 क्लोरोफाइसी आर ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट, आंसर है बी क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल ए। क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्राइकस्पिड वाल्व्स, आंसर हमारा डी होगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि इट हैज मस्कुलर थ्री मस्कुलर फ्लैप्स, इट गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इट इज एन यूनि डायरेक्शन वाल्व, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल करके रीड कर जाते हैं। माइग्रेशन ऑफ आंसर ये है माइग्रेशन ऑफ सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोजोम्स टुवार्ड्स द टू ऑपोजिट पोल्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनाफेज ड्यूरिंग माइटोसिस, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। 22 हाई कंटेंट ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज एसोसिएटेड विथ, आंसर होगा ए स्मोकिंग, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। 23 यहाँ पे फिगर दिया हुआ है सेलेक्ट द ऑप्शन विथ द करेक्ट लेबलिंग, आंसर हमारा ए है, जो यहाँ पे लेबलिंग में वन जो है एपिथेलियल टिश्यू है, सेकेंड जो है स्मूथ मसल है, और थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ है वॉल्व, और यहाँ पे फिफ्थ जो है वो कैपिलरीज है। यहाँ पे ब्लड वेसल अर्टरी वेन और कैपिलरीज के बारे में बताया गया है, और यह सारे है एक्सप्लेनेशन अर्टरी वेन और कैपिलरीज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 द स्ट्रक्चर्स दैट रिमेन सेपरेट विद फॉर्मिंग अ लेयर इज आंसर सी नर्वस सेल्स, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। 25 द स्टेटमेंट आर गिवन बिलो सूट्स फोर, फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है पजेज अ प्रोटेक्टिव सेल और एक्जोस्केलेटन, सेकेंड अ स्मॉल साइज, थर्ड एबिलिटी टू फ्लाई, फोर्थ प्रोड्यूस लार्ज नंबर्स ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स क्विकली, आंसर होगा डी सॉरी बी इंसेक्ट्स, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्टिव हैबिट कुड लीड टू डेंजर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर थ्रोट एंड लंग्स कैंसर, आंसर ए टार। क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग के एम वैल्यू, यहाँ पर आंसर डी है ऑल ऑफ दीज, मतलब कि इट इज द मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, बी इट इज द मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम फॉर इट सब्सट्रेट, और सी यहाँ पे कह रहा है हाई के एम, के मतलब मैकेनिक्स कॉन्स्टेंट, इंडिकेट्स वीक सब्सट्रेट बाइंडिंग, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 28 एन इंडिविजुअल मॉलिकुलर स्ट्रक्चर विद इन एन एंटीजेन टू विच एन इंडिविजुअल एंटीबॉडी बाइंड्स इज एन, आंसर होगा बी ईपी टॉप, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर हमारा डी होगा ऑल टिश्यूज लाइंग इनसाइड वैस्कुलर कैम्बियम आर कॉल्ड एज बार्क, ये हमारे गलत हैं,
बाकी ए बी सी सही है। वैस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट स्टेम से टू बी ओपन इन डाइकोट स्टेम इंडोडर्मिस इज रिफर्ड एज स्टार्च शीथ। और सी कह रहा है इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम इज प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 30, एपिस बॉम्बिक्स क्यूलेक्स एंड लिमुलस बिलोंग्स टू। आंसर होगा ए द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया दैट इज अर्थोपोडा। क्वेश्चन नंबर 31, फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड एंड देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेकेंड दे स्टोर फूड मटेरियल। थर्ड द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ दीज टिश्यूज। व्हिच ऑफ द एबव फीचर्स बिलोंग्स टू जाइलम पैरेन्काइमा। तो आंसर हमारा होगा 1, 2 और 3, तीनों होंगे। ओके और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 32, लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एन अलगल एंड फंगल कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली दे आर टर्म्ड जाए। आंसर होगा डी अलगल को बोलते हैं फाइकोबायोंट और फंगल को बोलते हैं माइकोबायोंट। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखा 33, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स इज करेक्ट। आंसर होगा डी IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। 34, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट्स होमोलॉजी इन द फॉलोइंग पिक्चर। आंसर हमारा ये होगा एक्जिलरी बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 35, द रिवर रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस रिवेट्स ऑफ विंग्स आर कंसिडर्ड एज। आंसर हमारा होगा डी की स्टोन स्पीसीज। ये रहे एक्सप्लेनेशन। 36, द कंसिक्वेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विच टूक प्लेस इन इंग्लैंड वाज। आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि व्हाइट कलर मोथ वेयर मोर इन रूरल एरियाज, ब्लैक कलर मोथ्स आर मोर इन अर्बन एरियाज, नो वेरियंट वाज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। 37, करेंटली मोर देन 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। आउट ऑफ दीज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ थ्रेटेंड मैमेलियन स्पीसीज। आंसर होगा डी 23%। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इनएक्टिवेट द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस इन द कैटालिटिक कन्वर्टर्स फिटेड इन ऑटोमोबाइल्स। आंसर होगा बी यूज ऑफ लीडेड पेट्रोल। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट मैच। तो ऐसा हमारा डी होगा स्क्रोटम सिचुएटेड इन साइड टेस्टिस, ये हमारा गलत है। और ए बी सी सही है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस, मेल एसेसरी ग्लैंड सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट लुब्रिकेशन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 40, द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाई FOAM फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिक मार्स इज रिलेटेड टू। आंसर हमारा ये होगा इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट 41 यहाँ कह रहा है इफ बर्थ रेट इक्वल टू बी, डेथ रेट इक्वल टू डी, इमिग्रेशन इक्वल टू एमिग्रेशन इक्वल टू ई और इमिग्रेशन इक्वल टू आई, देन चूज द करेक्ट मैच। तो आंसर हमारा ये होगा यानी कि ए का सेकेंड, यानी कि पॉपुलेशन इज स्टेबल होगा यानी कि सेकेंड, यानी बी प्लस आई इक्वल टू डी प्लस ई होगा। तब बी का कह रहा है फर्स्ट यानी पॉपुलेशन इंक्रीज कब होगा, जब बी प्लस आई जो है वो ज़्यादा होगा डी प्लस ई से। और सी यहाँ पे है पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग यानी कि थर्ड होगा बी प्लस आई जो है, यहाँ पे जो सी है उसका थर्ड होगा बी प्लस आई जो होगा वो लेस देन होगा यहाँ पे। यहाँ पे जो है हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पॉपुलेशन इज डी सी में यहाँ पे पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग होना चाहिए, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा क्योंकि बी प्लस आई लेस देन अगर रहेगा डी प्लस ई से तो पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा। और डी यहाँ पे कर रहा है पॉपुलेशन इक्वेशन इज इनवैलिड जब यहाँ पे फोर बी प्लस ई यानी बर्थ और एमिग्रेशन जो होगा वो लेस देन रहेगा मोर देन रहेगा डेथ प्लस इमिग्रेशन, ये थोड़ा सा इनवैलिड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन के साथ आंसर यहाँ पर ये सही होगा, ये रहा एक्सप्लेनेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे जो सी है वो करेक्ट है, द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ सेमनिफेरस टिबूल कंटेंस लीडिंग सेल्स विच सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। ये हमारा सही है, बाकी सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ प्रीडेशन। आंसर डी, इट इज अ प्रोटीन, इट इज अ पोटेंट फोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये प्रीडेशन का रोल नहीं है, बाकी सारे हैं। ये कह रहा है एक्ट एज कंड्यूट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल्स, कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीसी डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी।
और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है तो यहाँ पे फिल करके रीड कर लेते हैं। ह्यूमन सीमेन इज ए लिक्विड एट इजैकुलेशन बट इट सून कोगुलेट्स एंड देन अंडरगोस सेकेंडरी लिक्विफैक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन सेक्रेशन रिलीज्ड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 45, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय, आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिट्राइटस और बी क्लाइमेटिक फैक्टर, बोथ ए एंड बी होंगे यहाँ पे। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 देखते हैं, आई सी एस आई स्टैंड फॉर, आंसर होगा बी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 47, द स्पीसीज दैट इनवेड अ बेयर आर टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड, आंसर होगा बी पायोनियर कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल टेक्निक्स यूजेज क्रायोजेनिकली प्रिजर्व्ड स्पर्म, आंसर होगा ए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 49, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आंसर ए ऑल मैमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स डायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड्स, गलत है, बाकी बी सी डी सारे सही हैं। डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द डिट्राइटस फूड चेन वेब, सी यहाँ पे करा दोज एनिमल्स दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी कार्निवोर्स फॉर फूड आर लेबल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और डी यहाँ पे करा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम आर वेरियस स्पीसीज लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स एल्गी एंड हायर प्लांट्स। 50, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ फ्रेश वाटर वेराइटी ऑफ फिश, रोहू कतला मैकेरल पॉम्फ्रेट बॉम्बे डक में, सेंसर हमारा ये होगा रोहू एंड जो कतला है वो पेयर ऑफ फ्रेश वाटर वेराइटी फिश हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सेलेक्ट द करेक्ट मैच बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एस्टिवेशन ऑफ कोरोला एंड दियर एग्जाम्पल, सेंसर हमारा सी होगा इम्ब्रिकेट कैसिया एंड गुलमोहर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 52, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज इज टेकन बाई सम एनिमल्स टू अवॉइड डिटेक्शन बाई प्रीडेटर्स, आंसर होगा डी कैमोफ्लेज। 53, जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग, आंसर ए ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन ह्यूमंस, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। 54, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन एक्टिव रोल इन रास मैकेनिज्म, ओके आंसर हमारा जो होगा वो होगा डी ए एंड डी जो है यहाँ पे ए और डी, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड और डी यहाँ पे है किडनी, और ये रहा है सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं 55, विच इज फॉल्स फॉर वेक्जिलरी और पैप्रेनियोसियस एस्टिवेशन, तो यहाँ पे डी जो है फॉल्स होगा द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पेटल इज एंटीरियर एंड ओवरलैप्स विंग, ये गलत है, बाकी ए बी सी जो है सही है। टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स आर नोन एज कील, बी यहाँ पे कह रहा है द टू लेटरल पेटल्स आर नोन एज विंग और द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पेटल इज पोस्टेरियर, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। 56 यहाँ पे कर रहा फिल इन द ब्लैंक्स है तो रीड कर लेते हैं, मोर देन यहाँ पे लेस देन हो जाएगा, लेस देन 50%, 56 यहाँ पे कर रहा मोर देन 50% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आर बॉडी इज कंट्रीब्यूटेड बाई न्यूरोलजिया होगा, ओके ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन में यहाँ पे 57 है, सेलेक्ट द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ प्लांट हैविंग एपिपेटलस स्टामेंस, आंसर हमारा होगा बी यानी कि 6, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे करा है व्हेन स्टामेंस आर अटैच्ड टू पेटल्स देन इट इज कॉल्ड एज एपिपेटलस कंडीशन, एपिपेटलस स्टामेंस आर प्रेजेंट इन नंबर ऑफ सोलानेसी फैमिली टोमेटो ब्रिंजल बेलाडोना पेटूनिया टोबैको और चिल्ली में होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58, सेलेक्ट द करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू द अमेरिकन कॉकरोच पेरी प्लानेटा अमेरिकाना, आंसर हमारा डी होगा, एनल स्टाइल जो होते हैं स्टर्नो ऑफ नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में पाए जाते हैं, और ये रहा एक्सप्लेनेशन। 59, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, आंसर सी मेज एंड मस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 60, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ अ प्लांट ऑफ अ बॉडी पार्ट एंड द काइंड ऑफ मसल टिश्यू दैट मूव्स इट, आंसर सी आयरिस इनवॉलंटरी स्मूथ मसल। क्वेश्चन नंबर 61, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोथैलस ऑफ टेरिडोफाइटा, आंसर सी इट इज वेल डिफ्रेंशिएटेड विथ वैस्कुलर टिश्यू, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। 62, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, आंसर ए नन, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये रहे एक्सप्लेनेशन सारे।
क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट्स रिप्रेजेंट्स कॉनिफर्स? आंसर बी पाइनस एंड सीड्रस। ये एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 64, द गैप बिटवीन द मेम्ब्रेन्स ऑफ टू न्यूरॉन्स इज टर्म्ड एज? आंसर बी सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे 65, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर आर गिवेन बाई सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर यूनिवर्सल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल फॉर नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म? आंसर जो हमारा ये होगा यहाँ पे, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटेन इन एनी लैंग्वेज, ये हमारा गलत है। बाकी बी सी डी हमारा सही है। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम एंड द सेकेंड नेम इज सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। द नेम्स आर रिटेन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड, इटैलिक में रहते हैं। वेन रिटेन बाई हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड सेपरेटली। 66, ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन अकर्स इन? आंसर सी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। 67, यहाँ मैच द कॉलम है तो रीड कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट का बी होगा यानी कि कोकिलिया का होगा बी यानी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ई ई का बी और ई यहाँ पे है यानी कि फर्स्ट का बी यानी कि कोकिलिया का होगा बी और ई यानी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और हेयर सेल्स। टू का ए यानी कि रेटिना का यहाँ पे होगा बायोपोलर सेल्स। थ्री का सी और डी यानी फोर ब्रेन का होगा कॉर्पस कॉलेजम और व्हाइट मैटर। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 देखते हैं, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एरो एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज इनकरेक्ट? आंसर हमारा डी होगा। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज 7% इट बिकम्स टॉक्सिक टू ईस्ट, हमारा गलत है। 13% होते हैं तब टॉक्सिक होते हैं। और बाकी ए बी सी हमारे सही है यानी कि यहाँ पे एक कह रहा है इन एनिमल सेल्स लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन पाइरूविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और बी यहाँ पे कह रहा है द नेट गेन ऑफ एटीपी इज 2 मॉलिक्यूल्स। और सी यहाँ पे है इन दिस प्रोसेस लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 यहाँ पे कर रहा है एन इंडोक्राइन ग्लैंड विच सीक्रेट्स मेलाटोनिन इज लोकेटेड एट? आंसर होगा ए डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 70, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू लेग हीमोग्लोबिन? आंसर हमारा डी होगा, इट ऑक्सीडाइजेज इंजाइम नाइट्रोजिनेज। ये हमारा गलत है। बाकी ए बी सी सही है। लेग होमोग्लोबिन फंक्शन एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर। इट इज सिंथेसाइज बाय होस्ट सेल। इट मेक्स नोड्यूल्स पिंक कलर्ड। और ये एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आंसर हमारा सी होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जोना ग्लोमेरुलोसा। ये हमारा इनकरेक्ट है। बाकी ए बी और डी सही है। ए एन ए फैटी ऑफ हार्ट, एरिथ्रोपोइटिन किडनी और एस्ट्रोजन प्लासेंटा। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स अराउंड स्पेशल ओपनिंग्स ऑफ वेन्स नियर द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स विच इज कॉल्ड? आंसर बी गटेशन। और ये जो है हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ। और क्वेश्चन ये रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। 73, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू ई एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज देम। हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? यानी आंसर यहाँ पर ए है यानी नन ऑफ द एबव जो है यानी कि सारे सही हैं। थायरोकैल्सिटोनिन इज अ हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। इसमस इज द थायरॉइड इन द थायरॉइड इज अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ऑफ द ओवुलेशन फॉर्म द ग्राफियन फॉलिकल्स इज मेडिएटेड बाय एलएच। द सोर्स ऑफ एफएसएच एंड टीएसएच इज द सेम और हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लाइट रिएक्शन इज? आंसर हमारा ये होगा पी एस सेकेंड देन प्लस टू क्विनोन देन साइटोक्रोम देन पी एस फर्स्ट देन फेरोडॉक्सीन। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ 75 देखते हैं, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन? आंसर होगा सी स्ट्रोमा। और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 76, द कट फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट फ्रेश फॉर अ लॉन्ग पीरियड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन? आंसर सी साइटोकाइनिन। 77, सेल्स ऑफ मैचुरेशन फेज शो? आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी यानी कि थिकनिंग ऑफ सेल वॉल्स और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 78, विच फंजाई आर कॉमनली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क? आंसर बी
नीरोस्पोरा एंड साइक्रोमाइसेज, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 79, विच ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी? आंसर बी, क्राइजोफाइट्स, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। 18 नंबर, वायरसेज आर कंसिडर्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट, आंसर ए, रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मिथेनोजेंस? आंसर सी, मिथेन इज देयर प्रिफर्ड कार्बन सोर्स, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। 82, रीएप्लिकेशन इन ई कोलाई डीएनए स्टार्ट्स इन अ डिफरेंट रीजन नोन एज? आंसर बी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 83, लैक्टोज इज द सब्सट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ऑपेरॉन, हेंस इट इज टर्म्ड एज, आंसर होगा ए, इंड्यूसर, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 84 पे, कह रहा है द एंजाइम दैट कैटालाइज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज लोकेटेड इन, आंसर होगा सी, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ फिर इन द ब्लैंक से तो फिल करके रीड कर लेते हैं। जायगोट इज अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ पे कह रहा है द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया व्हिच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन इज, आंसर होगा डी, टैपेटम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑटोगेमी इज प्रिवेंटेड बट नॉट जीटियोनोगेमी, आंसर सी होगा, मोनोसिस कंडीशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 88 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इसका आंसर हमारा होगा डी, वाइन पोलिनेशन इज कॉमन इन लेग्यूम्स, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। आते नेक्स्ट क्वेश्चन 89 पे, यहाँ पे कर रहा है बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल व्हिच लाइज अपोजिट टू माइक्रोपाइलीज, आंसर हमारा सी होगा, चलाजा, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर बायो है, यहाँ पे कर आइडेंटिफाई द टिश्यू दैट कॉमनली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बींग सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर इपिथिलियम, आंसर होगा सी, एरियोलर टिश्यू, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आते हैं हम अब केमिस्ट्री पे, क्वेश्चन में वहाँ यहाँ पे फर्स्ट कर रहा है केमिस्ट्री, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ फिल का ग्रेड कर देते हैं। Gd64 हैज 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विथ सम ऑफ स्पिन 4, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 2, 2.4 ग्राम ऑफ प्योर मैग्नीशियम एटॉमिक मास 24 इज ड्रॉप्ड इन 100 ml ऑफ 1 mHcl, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर हमारा डी होगा, 0.005 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज लेफ्ट बिहाइंड, ये हमारा रॉन्ग है, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड देखते हैं, एन एलिमेंट एटॉमिक मास जो है वो 100 ग्राम पर मोल हैविंग BCC स्ट्रक्चर हैज इट्स एज सेल एज 400 पिकोमीटर, द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, आंसर होगा बी, 5.188 ग्राम पर cm³, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन I3- ion इज, आंसर होगा डी, 9, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 5, फोर द रिडॉक्स रिएक्शन XMnO4 माइनस प्लस YH2CO4 प्लस ZH+ गिव्स MnO2 प्लस प्लस NCO2 प्लस pH, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एम एंड रिस्पेक्टिवली, आंसर हमारा बी होगा, 2, 5, 2, 10, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6 पे, यहाँ पे करा है द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर द कम्प्लेक्स Ma2B2 विथ sp2, sp3 एंड dsp2 हाइब्रिडाइज्ड मेटल एटम रिस्पेक्टिवली इज, नोट ए एंड बी आर यूनिडेंटेड न्यूट्रल एंड यूनिडेंटेड मोनो एटॉमिक लाइगेंड्स रिस्पेक्टिवली, आंसर होगा बी, 0 एंड 0, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन में यहाँ पर 7 है, फॉर द रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO2, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 इज 2×10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO2 इज, आंसर होगा बी, 4×10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 पे, जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज्ड आयरन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, इट इज बिकॉज, आंसर होगा डी, जिंक हैज हायर निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 9, द एच प्लस ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन दैट इज 0.01 mAcetic acid K=1.8×10⁻⁵
एंड 0.01 इन बेंजोइक एसिड के इक्वल टू 6.3 इंटू 10^-5 इज आंसर होगा ए 9 इंटू 10^-4 और ये रहे एक्सप्लेनेशन। आधे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 पे यहाँ कह रहा है एट 35 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ CH2 इज 5.2 mmHg एंड दैट ऑफ एसीटोन इज 344 mmHg। अ सॉल्यूशन ऑफ CH2 इज इन एसीटोन हैज अ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 600 मिलीमीटर Hg। द फर्स्ट स्टेटमेंट वाज द फॉलोइंग इज आंसर होगा ए अ मिक्सचर ऑफ 100 ml CH2 एंड 100 ml एसीटोन हैज अ वॉल्यूम लेस देन 200 ml। हमारा गलत है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल। आंसर हमारा सी होगा और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 12 द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फॉस्फोरस एटम इन H3PO2 H3PO4 H3PO3 एंड H4P2O6 इज आंसर होगा बी और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कह रहा है सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन द कैटायन प्रेजेंट इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज आंसर हमारा डी होगा और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कह रहा है अरेंज द आयंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बेसिक स्ट्रेंथ। तो आंसर हमारा होगा ए सबसे ज्यादा पी यानी कि CH3-, देन क्यू यानी NH2-, देन आर यानी OH-, देन सबसे लास्ट में होगा एस यानी F-, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। आते क्वेश्चन नंबर 15 पे यहाँ का द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज, तो आंसर हमारा बी होगा यहाँ पे और ये रहे एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ब्लैंक को फिल करके रीड कर लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ H2O2 विथ H2S इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है व्हिच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आंसर हमारा डी होगा फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द डी इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड मोनोटोनिकली विथ इंक्रीज इन एटोमिक नंबर। ये हमारा फॉल्स है, बाकी ए बी सी सही है और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एक्यूमुलेटर। आंसर हमारा बी होगा 1.2 ग्राम पर लीटर और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मेटल्स डिपॉजिट्स एज एनोड मड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। आंसर होगा सी Ag एंड Cu और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 देखते हैं PHMgBr यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है एक्स क्या होगा, तो आंसर होगा बी PHC OH और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कर रहा है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू MnCN6-3-। आंसर हमारा बी होगा इट इज D2SP3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ऑक्टाहेड्रल और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 22 द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स सी आंसर होगा बी यानी सबसे ज्यादा थैलियम देन इंडियम देन एल्यूमिनियम उसके बाद होगा गैलियम। ओके क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कर रहा है आइडेंटिफाई 23 यहाँ पे है आइडेंटिफाई द मोनोसेक्राइड कंटेनिंग ओनली वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। आंसर हमारा डी होगा ग्लिसरल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 24 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज S4-chloro-1-methyl-cyclohexene। आंसर हमारा ए होगा और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन में यहाँ पे 25 देखते हैं करा है व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैक्सिमम प्रेसिपिटेट। तो आंसर हमारा जो होगा वो होगा ए बी यानी कि 10^-3 mHg+ एंड 10^-3 mCl- और ये रहे एक्सप्लेनेशन। 26 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग स्पीसीज इज आंसर होगा डी Cl2O सबसे कम देन Cl2- देन Cl2 और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 है द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कंसेंट्रेशन ऑफ कैडमियम इन ड्रिंकिंग वाटर इन PPM इज आंसर हमारा ये होगा 0.005। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कर द रिएक्टेंट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा ए CH3COH CH3 और ये रहे एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 29 पे यहाँ पे कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑब्जर्व्ड इन। आंसर हमारा ए होगा SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 30 कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कोरिस्पोंडिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर प्लैंक कांस्टेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ। आंसर हमारा डी होगा
4.42 पर -18 और इक्वल टू एसी बलेमडा से निकाल सकते हैं। आते क्वेश्चन नंबर 31। 1 ग्राम ऑफ एम जी इज बर्नड विथ 0.28 ग्राम ऑफ O2 इन अ क्लोज्ड वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन द एक्सेसर एंड हाउ मच। आंसर हमारा बी होगा, एम जी 0.58 ग्राम, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, विच द फॉलोइंग इज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। आंसर होगा ए, सिट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 33, मेटल कार्बाइड्स ऑन रिएक्शन विथ H2O फॉर्म CH4 कार्बाइड कैन बी। आंसर होगा सी, Be2C। आते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 में, विच द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। आंसर होगा बी, यानी कि सेकंड जो है वो मोस्ट स्टेबल है। ये रहे एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35। तो यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 0.138 kg ऑफ इथेनॉल एट 300 केल्विन। यहाँ पे मोलर मास दिया हुआ है और आर का वैल्यू दिया हुआ है। आंसर हमारा बी होगा, 7482 जूल, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 36, व्हेन SO2 गैस इज पास्ड इनटू अक्वस एन टू CO3 सोडियम कार्बोनेट द प्रोडक्ट फॉर्मड इज। आंसर होगा डी, Na2SO3 एंड NHSO3। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 37। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करके यहाँ पे रीड कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर बी है, फर्स्ट का आर यानी कि कलर्ड इम्प्यूरिटी का होगा चारकोल ट्रीटमेंट, सेकेंड का पी यानी मिक्सचर ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल का पी यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन, थ्री का क्यू यानी कि क्रूड नैप्था का होगा क्यू यानी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, और फोर का एस यानी कि मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल एंड शुगर्स का होगा एस यानी कि डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38, अ कंपाउंड C5H10O A फॉर्म्स अ फिनाइल हाइड्रोजन एंड गिव्स नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट एंड अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन, इट आल्सो गिव्स एन पेंटेन ऑन रिएक्शन, द कंपाउंड ए। आंसर होगा बी, 2-pentanone, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39, कह रहा है द गिवन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर गिवन। ओके, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल ऑफ NH3 टू गिव NO इज। आंसर होगा बी, K2 × K3³³/K1, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। आंसर हमारा ये होगा, बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 देखते हैं, कह रहा फॉर द गिवन PV आइसोथर्म्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर T1 T2 T3। आंसर हमारा ये होगा, T3 सबसे ज्यादा, देन T2, देन T1, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं 42 पे, यहाँ पे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन CP बार एंड CV बार इज, यहाँ पे कह रहा है CP बार एंड CV बार इज 5 मोलर क्वांटिटी। आंसर हमारा ये होगा, लार्जर इन केस ऑफ गैसेज इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन में यहाँ पर 43 करा है, बार बिटूरेट्स आर पोटेंट। आंसर होगा ए, हिप्नोटिक्स। 44, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ NaOD इन D2O। आंसर हमारा ई होगा, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आते हैं लास्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं केमिस्ट्री का। यहाँ पे व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ सुक्रोज। आंसर हमारा बी होगा, अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज आर लिंक्ड वाया C1 एंड C2 सेंटर्स रिस्पेक्टिवली। ओके, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। ओके, तो अब आते हैं फिजिक्स पे, आते हैं यहाँ पे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कर रहा है फिजिक्स का, मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 8 एक्सपीरियंस। आंसर होगा ए, अ फोर्स एंड अ टॉर्क, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल पॉइंट्स पी एंड क्यू इज 4 ओम इन द गिवन सर्किट देन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ आर इन ओम्स। आंसर हमारा ए होगा, 7, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट कनेक्टेड इन द सेकेंडरी सर्किट गिव्स अ बैलेंसिंग लेंथ ऑफ 165 सेंटीमीटर ऑफ द वायर, इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेल द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर इज 150 सेंटीमीटर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होगा। आंसर होगा डी, 0.5 ओम, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, इन सीरीज
आर एल सी सर्किट द रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड इंडक्टर आर रिस्पेक्टिवली 400 वोल्ट एंड 700 वोल्ट। इफ द इक्वेशन फॉर द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू 500 रूट 2 साइन ओमेगा टी वोल्ट देन द पीक वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा? आंसर होगा डी 400 रूट 2 वोल्ट। और यह रहे एक्सप्लेनेशन। फाइव नंबर का रहा, अ सोलेनोइड हैज अ इंडक्टेंस ऑफ 50 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 0.025 ओम इफ इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द करंट टू रीच वन हाफ ऑफ इट्स फाइनल इक्विलिब्रियम वैल्यू? आंसर होगा ए 1.38 सेकेंड। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द लिनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑन अपर हाफ ऑफ सेगमेंट इज ऑफ रिंग इज लेमडा एंड एट लोअर हाफ इज माइनस लेमडा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ रिंग इज? आंसर होगा सी अलोंग ओ सी। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेवन देखते हैं, करा अ पॉइंट चार्ज इज सराउंडेड बाई एट आइडेंटिकल चार्जेज एट अ डिस्टेंस आर एज शोन इन द फिगर हाउ मच वर्क इज डन बाई द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन व्हेन द पॉइंट चार्ज एट द सेंटर इज मूव्ड इन टू इन्फिनिटी? आंसर होगा बी 8q² / 4π0r। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एट देखते हैं, अ स्क्वायर लूप ए बी सी डी कैरिंग अ करेंट आई इज प्लेस्ड नियर एंड कोप्लेनर विद अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करेंट आई देन? यहाँ पे आंसर होगा बी, द लूप विल बी अट्रैक्टेड बाई द कंडक्टर ओनली इफ द करेंट इन द लूप फ्लोज क्लॉक वाइज। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर नाइन यहाँ पे है, इन अ साइक्लोट्रॉन इफ अ ड्यूट्रॉन कैन गेन एन एनर्जी ऑफ 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन अ प्रोटोन कैन गेन एन एनर्जी ऑफ? आंसर होगा डी 80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, इन वीन्स कॉन्स्टेंट बी इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर केल्विन देन द टेम्परेचर ऑफ द सन हैविंग अ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ इज? आंसर होगा बी 6000 केल्विन। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 का रहा, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ऑफ पी क्यू आर एस पी प्रोसेस द नेटवर्क डन बाय द सिस्टम इज? आंसर होगा बी -20 जूल। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। 12 नंबर यहाँ पे है, सपोज आइडियल गैस इक्वेशन फॉलोज वी पी क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनिशियल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस आर टी एंड वी रेस्पेक्टिवली इफ गैस एक्सपैंड टू 27 वोल्ट देन इट्स टेम्परेचर विल बिकम? आंसर होगा बी 990। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 13, पी वी डायग्राम ऑफ साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए इज एज शोन इन द फिगर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट? आंसर हमारा डी होगा ऑल ऑफ दीज। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 14, अ क्लॉक विच कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस हैज अ पेंडुलम रॉड मेड ऑफ ब्रास हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट गेन और लूज पर डे व्हेन टेम्परेचर फॉल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस? अल्फा इक्वल टू दिया हुआ यहाँ पे 18 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। आंसर होगा बी 15.55 सेकेंड। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 15, अ मिक्सचर ऑफ 250 ग्राम ऑफ वाटर एंड 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज केप्ट इन अ कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 50 ग्राम इफ 200 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड थ्रू द मिक्सचर देन द फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर विल बी लेटेंट हीट ऑफ आइस इक्वल टू 80 कैलोरी पर ग्राम है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू जो है 540 कैलोरी पर ग्राम है एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आंसर होगा सी 522 ग्राम। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। 16, द लिनियर डेंसिटी ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज 1.3 × 10⁻⁴ केजी पर मीटर। अ ट्रांसवर्स वेव इज प्रोपेगेटिंग ऑन अ स्ट्रिंग एंड इट्स डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन वाई इक्वल टू 0.021 साइन एक्स प्लस 30 टी वेयर एक्स एंड वाई आर मेजर्ड इन एम मीटर एंड टी इन सेकेंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज? आंसर हमारा ये होगा 0.12 न्यूटन। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 पे, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर एन सेकेंड इज वी देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट 2 सेकेंड्स क्या होगा? आंसर होगा डी 2v(n-1)/n होगा। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन में यहाँ पे 18 का रहा, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल द हाइट ऑफ टावर इज 70 मीटर आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड? आंसर होगा सी 7 सेकेंड। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन में यहाँ पे 19 देखते हैं, इन द फिगर एम ए इक्वल टू 2 केजी एम बी इक्वल टू 4 केजी
फॉरवर्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ए स्टार्ट स्लिपिंग ओवर बी जी इक्वल टू यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंसर होगा सी 36 न्यूटन, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। ओके, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20 पे। यहाँ कह रहा है अब पैराबोलिक बॉल विद इट्स बॉटम एट ओरिजिन हैज द शेप वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 20। हेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर्स, द मैक्सिमम हाइट एट विच अ स्मॉल मास एम कैन बी प्लेस्ड ऑन द बॉल विदाउट स्लिपिंग, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.5 दिया हुआ, आंसर हमारा बी है 1.25 मीटर, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर कॉलिजन्स, आंसर हमारा सी होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड इन इन इलास्टिक कॉलिजन्स बट मोमेंटम इज कंजर्व्ड। आते हैं यहाँ पे देख लेते एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इन द सोन फिगर इफ ऑल द सर्फेसेज आर स्मूथ एंड टू मासेस आर अलाउड टू मूव देन सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल मूव, आंसर होगा बी डाउनवर्ड्स, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कह रहा है, चाइल्ड इज स्टैंडिंग एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग ट्रॉली मूविंग विद अ स्पीड वी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, इफ द चाइल्ड स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द ट्रॉली विद अ स्पीड यू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ट्रॉली प्लस चाइल्ड विल मूव विद अ स्पीड, आंसर होगा डी भी, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन में यहाँ पे 24 कह रहा है, अ मॉलिक्यूल ऑफ मास एम मूविंग एट अ वेलोसिटी भी इलास्टिकली इम्पिंजेज ऑन द वॉल एट द एंगल अल्फा विद द वॉल, देन आंसर होगा बी द इम्पल्सिव रिएक्शन ऑफ द वॉल इज 2 mb साइन अल्फा, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 25। अ हॉलो वर्टिकल सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच हैज अ स्मूथ इंटरनल सरफेस, अ स्मॉल पार्टिकल इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद द इनर साइड ऑफ द अपर रिम एट अ पॉइंट पी, इफ इट इज गिवेन अ हॉरिजेंटल स्पीड वी नॉट टेंजेंशियल टू द रिम इट लीव्स द लोअर रिम एट अ पॉइंट क्यू वर्टिकली बिलो पॉइंट पी, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द पार्टिकल विल बी, आंसर होगा डी यहाँ पे, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 26 यहाँ पे कह रहा है, द एक्सलेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ रेडियस आर एट अ डिस्टेंस टू आर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज जी इक्वल टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ अर्थ, आंसर हमारा ए होगा g/9, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन में यहाँ पे 27 कर रहा है, द बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 आर इनिशियली एट रेस्ट प्लेस्ड इन इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, दे आर देन अलाउड टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, दे रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन दे आर डिस्टेंस अपार्ट, आंसर हमारा ए होगा 2g m1 m2 / r। ओके, और ये रहे सारे एक्सप्लेनेशन। ओके, आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे, अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए इक्वल टू -bx वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन पोजीशन ए एंड बी इज द पॉजिटिव कांस्टेंट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, आंसर हमारा होगा बी 2π/√b, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पे, कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स एग्जीक्यूटिंग SHM आर रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन x1 इक्वल टू 4 sin 10t + π/6 एंड x2 इक्वल टू 5 cos ωt, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ओमेगा द एनर्जी ऑफ बोथ पार्टिकल्स इज द सेम, आंसर होगा डी 8 यूनिट्स, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देते हैं, कह रहा है अ क्यूबिकल ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज इन द लिक्विड व्हेन द होल सिस्टम एक्सेलरेट्स अपवर्ड्स विद अ नेट एक्सेलरेशन ऑफ g/3 द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड इन द लिक्विड विल बी, आंसर होगा ए 1/2, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कह रहा है, इन अ कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट अ वर्टिकल 30 cm लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन द वाटर, द वाटर राइजेज अप टू हाइट ऑफ 10 cm ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, इफ वाटर टेम्परेचर इंक्रीजेज द न्यू हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन कैपिलरी बिकम्स, आंसर होगा डी लेस देन 10 cm, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कह रहा है, अ स्क्वायर प्लेट इज केप्ट इन YZ प्लेन देन अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आंसर होगा बी ix = iy + iz, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कह रहा है, अ सेल ऑफ मास 20 kg एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इन टू टू फ्रेगमेंट्स व्हिच मासेज आर इन द रेशियो 2:3, द स्मॉलर फ्रेगमेंट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 6 m/s, द काइनेटिक ऑफ द लार्जर फ्रेगमेंट इज, आंसर होगा ए
96 जूल, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन इक्वल टू 3 टू एन इक्वल टू 1, द रिक्वायर्ड मोमेंटम ऑफ द हाइड्रोजन एटम विल बी, आंसर होगा ए 6.45 × 10⁻²⁷ न्यूटन सेकेंड, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। 35, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस देन द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम इज, आंसर होगा ए ई बाई 2m, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। 36, अ रेडियो एक्टिव सैंपल एट एनी इंस्टेंट हैज इट्स डिसइंटीग्रेशन रेट 5000 dpm, आफ्टर 5 मिनट्स द रेट इज 1250 dpm, देन द डीके कॉन्स्टेंट पर मिनट इज, आंसर होगा बी 0.4 ln2, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कर रहा है, मेटेलिक सर्फेस ऑफ थ्रेसोल्ड वेवलेंथ 4 λ इल्यूमिनेटेड विद ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी, व्हेन द सेम सर्फेस इज इल्यूमिनेटेड बाई द लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 λ, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी बाई 3, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फॉर द मेटेलिक सर्फेस इज, क्या होगा आंसर सी होगा वी बाई 3, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे 38 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हैविंग द सेम वेवलेंथ, इट इम्प्लाइज दैट दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ, आंसर का बी मोमेंटम, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कह रहा है, फोर गिवन लॉजिक गेट ट्रूथ टेबल इज, आंसर होगा सी यहाँ पे हमारा, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 40 कह रहा है, इन ट्रांजिस्टर, आंसर होगा ए इमीटर इज मोर हाईली डोप्ड देन कलेक्टर। 41 यहाँ पे, अ ट्रांजिस्टर इज यूज एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन बेस मोड विद लोड रेजिस्टेंस ऑफ 5 kΩ, द करेंट गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज 0.98 एंड द इनपुट रेजिस्टेंस इज 70 ओम, द वोल्टेज गेन एंड द पावर गेन रिस्पेक्टिवली आर, आंसर होगा 70 और 68.6, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 42 यहाँ पे कह रहा है, अ क्राउन ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 6 डिग्री इज टू बी यूज फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन विद अ फ्लिंट ग्लास ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म अल्फा गिवन, फॉर क्राउन ग्लास म्यू आर इक्वल टू दिया हुआ है, म्यू भी दिया हुआ है, और यहाँ पे फ्लिंट ग्लास के लिए म्यू आर म्यू भी दिया हुआ है, देन फाइंड अल्फा यहाँ पे है, आंसर होगा ए 3 डिग्री, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। ओके आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पे, कह रहा है, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर्स इज इंसिडेंट ऑन अ आइसोसेलस राइट एंगल्ड प्रिज्म एज शोन इन द फिगर, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर्स आर 1.39, 1.43 एंड 1.47 रेस्पेक्टिवली, द प्रिज्म विल बी, आंसर होगा ए सेपरेट रेड कलर फ्रॉम ग्रीन एंड ब्लू कलर्स, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अ मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव ऑफ स्पीड सी एंड वेवलेंथ लेमडा इज डिफ्रैक्टेड एट अ स्मॉल अपर्चर, द डायग्राम इलस्ट्रेट्स सक्सेसिव वेव फ्रंट्स, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल सम पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट एक्स वाई रीच पी, आंसर होगा सी 3λc, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है जो फिजिक्स का, द कॉन्ट्रास्ट इन द फ्रिंजेज इन एनी इंटरफेरेंस पैटर्न डिपेंड्स ऑन, आंसर होगा सी इंटेंसिटी रेशियो ऑफ द सोर्सेस, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। ओके ये सारे हमारे थे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो क्वेश्चंस। एनटीए अभ्यास से सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक करके सारे एनटीए मॉक टेस्ट ले सकते हैं। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सारे मॉक टेस्ट के यहाँ पे आंसर आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।